अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फोर स्टार किचन। दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से हों, अल्लाह सुबहान ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें और कोशिश करें ऑल के ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ, और ये मेरे एक भाई ने फरमाइश की थी, उनकी फरमाइश पर मैं ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ। और मेरे भाई खुश हो जाएं, आपकी आज फरमाइश पूरी होने लगी है। और ये शिजवान चिकन है जो कि उन्होंने फरमाइश की थी, और बहुत ही आसानी से ये मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी और आप सब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए आइए आप शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और शेज़वान चिकन के लिए सबसे पहले मैंने हाफ के जी चिकन लिया है, ये देखें ये बोनलेस चिकन है, इस तरह से मैंने इसके पीसीस किए हैं। एक बाउल में हाफ के जी चिकन हम ऐड करते हैं, चिकन को हम मैरिनेट करते हैं। ये 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर है और 2 टेबलस्पून ही इसमें मैदा जाएगा और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, और अपने जायके के मुताबिक आप नमक ऐड करें। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ही इसमें सुरख मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून ही काली मिर्चों का पाउडर ये इसमें चला गया, और इसमें चिली सॉस जाएगी, ये चिली सॉस 1 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस है, और 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस जाएगी, और 1 टेबलस्पून ही इसमें सिरका। और मैं हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। चिकन को मैंने अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लिया है, अभी 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ, 1 घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ। लोग इसमें एग भी ऐड करते हैं, मैं इसमें एग ऐड नहीं करती, बच्चे कहते हैं कि स्मेल आती है, इसलिए आपको अगर डालना हो तो आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, अभी हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। पैन में ऑयल मैंने गर्म कर लिया है, अब एक एक पीस हम इसमें डालते जाएंगे। हम लो फ्लेम पे, ऑयल जब गर्म हो जाए तो आप फ्लेम लो कर दें, लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये कुक भी हो जाए, अंदर से अच्छी तरह से गल जाए, और खुला खुला ही फ्राई करेंगे। पैन में मैंने चिकन के पीसेस ऐड कर दिए हैं और लो फ्लेम पे ये फ्राई करेंगे, और एकदम से इसको पलटेंगे, नहीं हिलाना नहीं है, ताकि इसकी कोटिंग उतर ना जाए, अच्छी तरह से कोटिंग इसकी सेट हो जाए। 2-3 मिनट के बाद फिर हम इसको पलटेंगे। 3-4 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए, अब हम इसको पलट लेते हैं। कोटिंग ऊपर अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, साथ 8 मिनट हो चुके हैं पीसीस फ्राई होते हुए, लेकिन माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। अब हम पीसीस को निकाल लेते हैं, अब सारे जो चिकन के पीस हैं हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये पीसीस फ्राई कर लेते हैं। चिकन के तमाम पीसीस फ्राई हो चुके हैं, माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, और अब इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं। एक पतीली में 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है, ये 3 जवे गार्लिक के हैं, इनको मैंने चॉप किया है, अभी इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। गार्लिक फ्राई हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये छोटी वाली गोल लाल मिर्ची है, ये इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि बड़ी वाली मिर्चें मेरे पास नहीं थी, आप बड़ी वाली भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें थोड़ा सा प्याज, वो भी इसमें जाएगा,
क्योंकि आजकल स्प्रिंग अनियन नहीं मिल रहे, बहुत मुश्किल है। काफी दिनों से मैं तलाश में थी इसकी, वो नहीं मिले मुझे। अगर आपको मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, आप वो डाल लें। और ये सब्ज मिर्चे हैं, ये एक बड़ी वाली सब्ज मिर्च है, इसको मैंने काट लिया है, ये इसमें चली गई। अब हम इसमें अपने जायके के मुताबिक नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून ही इसमें नमक है। और ये 1 टेबलस्पून इसमें शेजवान सॉस है, मैं ये इसमें ऐड करूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं, चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, जौन सी आपको सॉस पसंद हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और मुझे स्प्रिंग अनियन नहीं मिले थे, वरना उसका ग्रीन वाला पार्ट इसमें ऐड करते हैं। इसकी बजाय मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। आपको स्प्रिंग अनियन मिले तो वो आप इसमें ऐड कीजिएगा। अब ये इसमें जाएगी, ये हाफ शिमला मिर्च से थोड़ी सी कम है, छोटे साइज की चाहिए, ये इसमें चली गई। अब इसमें सोया सॉस, ये भी इसमें चली गई। और 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड की थी, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर थे, थोड़े से पानी में इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, ये इसमें जाएंगे। थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये थिकनेस इसकी आ जाए। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि इसका कच्चापन कॉर्नफ्लोर का खत्म हो जाए, वो अच्छी तरह से पक भी जाए। और थोड़े से हम इसमें, आपकी अपनी चॉइस है आप डालना चाहें, थोड़े से मैं इसमें तिल ऐड करूंगी और थोड़े से गार्निश के लिए ऊपर रखूंगी। देखें इसकी थिकनेस अच्छी खासी हो चुकी है। अब ये चिकन इसमें ऐड करते हैं ताकि इसके ऊपर भी ये सारी कोटिंग हो जाए, सॉस जो है ना सारी चिकन के ऊपर सारी इसकी अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इस स्टेज पे आप नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, कम लगे तो और ऐड कर दें। और मिर्च मसाले आप अपनी मर्जी से ऐड कीजिएगा, अगर बच्चों ने खाने हैं तो कम ऐड करें। अभी मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शेजवान चिकन हमारा बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही जल्दी ये रेडी हो चुका है, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। ज़रूर बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।